नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस बार दशहरे के मौके पर मुंबई में शिवसेना की दो दशहरा रैली हुई। जून में जो शिवसेना में बगावत हुई थी, उसके बाद शिवसेना दो फाड़ हो गई। एक एकनाथ शिंदे का गुट है, दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे का। एकनाथ शिंदे के गुट ने अपनी रैली आयोजित की बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में, और उद्धव गुट की रैली यहां पर हुई इस शिवाजी पार्क में, जहां पर की पिछले 5 दशकों से शिवसेना की दशहरा रैली पारंपरिक तौर पर आयोजित होते आई है। सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी रैली में ज्यादा भीड़ आएगी। तो इन दोनों रैलियों के बाद इन सवालों का भी जवाब मिल गया है। दोनों ही गुटों का यह दावा था कि बाला साहेब के हिंदुत्व के असली वारिस वे ही हैं, और इसी आधार पर दोनों गुट ये दावा कर रहे थे कि शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और ये साबित करने के लिए दोनों के लिए ये जरूरी था कि उनकी सभाओं में तगड़ी भीड़ आए। जहां तक उद्धव ठाकरे की रैली का सवाल है, तो उनकी रैली में ये पूरा शिवाजी पार्क भर गया था। करीब 75 से 90 हजार की कैपेसिटी वाला ये मैदान है, ये पूरा शिवाजी पार्क भर गया था। और इसके अलावा, पार्क के अलावा जो इर्द गिर्द की जो गलियां हैं, इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर शिवसैनिक जमा थे। कई जगहों पर LCD स्क्रीन लगाया गया था। तो वहीं दूसरी ओर यहां से 6.5 किलोमीटर के फासले पर BKC का मैदान है, जहां पर एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और वो BKC का मैदान भी पूरी तरह से भर गया था। यानी कि भीड़ के मामले में कोई किसी से 19 नहीं था, दोनों ने ही अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी। उद्धव ठाकरे की रैली को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी बगावत होने के बाद, जब आपके 40 विधायक चले गए हों बागी गुट में, जब आपके 18 में से 12 सांसद चले गए हों, कई सारे पार्टी के पदाधिकारी चले गए हों, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कैसी भीड़ जुटा पाएंगे। लेकिन यहाँ जो भीड़ दशहरे के मौके पर जुटी, वो इससे पहले हुई तमाम दशहरा रैली की भीड़ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी ये साबित कर दिया कि भीड़ जुटाने के लिए मुंबई में सिर्फ ठाकरे नाम की जरूरत नहीं होती, ठाकरे परिवार के बाहर का कोई शख्स भी भीड़ जुटा सकता है। और ये बात उन्होंने BKC में भीड़ जुटाकर साबित कर दी। वैसे एकनाथ शिंदे जब शिवसेना में थे, ठाकरे के साथ थे, तो उस वक्त भी उनकी इमेज यही थी, उनको एक भीड़ जुटाने वाला शख्स माना जाता था। उनका पूरा राज्यव्यापी नेटवर्क रहा है, और जिसकी मदद से वो शिवसेना की तमाम रैलियों में भीड़ जुटाया करते थे। शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी तो दोफाड़ हुई ही, लेकिन पार्टी के साथ साथ ठाकरे परिवार भी दोफाड़ होता नजर आया इन दोनों रैलियों के जरिए। एकनाथ शिंदे की रैली में बाला साहब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे मौजूद थे, और साथ में मौजूद थी स्मिता ठाकरे, जो कि जयदेव ठाकरे की पत्नी थी, जिनका जयदेव ठाकरे के साथ तलाक हो गया था। एक तरफ जहां शिवाजी पार्क की रैली में उद्धव ठाकरे थे, आदित्य ठाकरे थे, उद्धव के दूसरे बेटे तेजस ठाकरे थे, और उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे थी, तो वहीं पर एकनाथ शिंदे की रैली में बाला साहब ठाकरे के ही एक बेटे जयदेव ठाकरे, उनकी पूर्व पत्नी और बेटे मौजूद थे। उद्धव की रैली में एक गौर करने वाली बात यह देखी गई कि इस मैदान के इर्द गिर्द जो तमाम बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उन बैनर पोस्टरों में रश्मि ठाकरे उद्धव की पत्नी की भी तस्वीर थी, और तेजस ठाकरे उद्धव ठाकरे के जो दूसरे बेटे हैं, यानी कि आदित्य ठाकरे के भाई, उनकी भी तस्वीर थी। अब तक इन दोनों ही लोगों ने शिवसेना ज्वाइन नहीं की है, पार्टी में किसी पद पर नहीं है, ये राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक तरह से ये चर्चा छिड़ गई है। सियासी हलकों में ये बात होने लगी है कि क्या रश्मि ठाकरे और तेजस ठाकरे भी अब राजनीति में आएंगे, और उन्हीं को राजनीति में लाने के लिए इस तरह से बैनर पोस्टर्स के जरिए जमीन तैयार की जा रही है, संकेत दिए जा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी ठाकरे देखने मिलेंगे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा? शिवाजी पार्क के बैनर पोस्टर्स में रश्मि ठाकरे और तेजस ठाकरे का देखा जाना, इसके बाद एकनाथ शिंदे के मंच में स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे का देखा जाना, निहाल ठाकरे का देखा जाना, ये क्या कहता है? जाहिर तौर पर इससे चर्चा तो होगी ही, और कयास जरूर लगाए जाएंगे। बहरहाल दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उन्हीं की है। खैर,
इस सवाल का जवाब तो अब इलेक्शन कमीशन को देना है, जिसे कि यह तय करना है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसके पास जाता है। लेकिन इन दोनों ही गुटों के लिए असली अग्नि परीक्षा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के दौरान होगी, जो कि जल्द ही होने जा रहे हैं। और तब मुंबई की जनता ये बताएगी कि आखिर वो असली शिवसेना किसे मानती है, ठाकरे वाली शिवसेना को या शिंदे वाली शिवसेना को।